अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 11 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ a5/a3 इज इक्वल टू 4/9 एंड a2 इज इक्वल टू 4/9। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। वी आर गिवन विद a2 इज इक्वल टू 4/9। वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो हमारे पास a2 आ जाएगा a1 इंटू r रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। a2 इज इक्वल टू a1 इंटू r। अब यहाँ पे a2 की जगह पुट कर देंगे 4/9 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a1r इज इक्वल टू 4/9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी आर ऑल्सो गिवन विथ a5/a3 इज इक्वल टू 4/9। a5 इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर 4 एंड a3 इज इक्वल टू a1 इंटू r स्क्वेयर। तो यहाँ पे a5 की जगह आ जाएगा a1 इंटू r रेज़ टू द पावर 4/a1 इंटू r स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 4/9। a1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा r रेज़ टू द पावर 4-2 इज इक्वल टू 4/9। देन आ जाएगा r स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ r स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4/9। लेफ्ट साइड पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल और राइट साइड पे स्क्वेयर रूट में ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वेयर है 2 का एंड 9 कंप्लीट स्क्वेयर है 3 का। तो हमारे पास r आ जाएगा +-2/3 के इक्वल। नाउ वी विल पुट r इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट r इज इक्वल टू 2/3 इन 1। तो हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4/9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3/4/2/9। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो a1 आ जाएगा 2/3 के इक्वल। नाउ अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे nth टर्म को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2/3 एंड r की जगह हमारे पास आ जाएगा 2/3 और इसकी पावर है n माइनस 1। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर 1+n-1। देन an आ जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर n। नाउ वी विल पुट r इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट r इज इक्वल टू -2/3 इन 1। तो हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 4/9। a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 ओवर
minus 2 into 9, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9. तो हमारे पास a1 आ गया है 2 over minus 3 के इक्वल और a1 is equal to minus 2 over 3. Now we will use the formula an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. तो हमारे पास an आ जाएगा minus 2 over 3 into minus 2 over 3 raised to the power n minus 1. An is equal to minus 2 over 3 raised to the power 1 plus n minus 1. An is equal to minus 2 over 3 raised to the power n. Then an is equal to minus 2 over 3 can be written as minus 1 into 2 over 3 और पावर आ जाएगी n. an is equal to, अब यहाँ पे ये जो पावर है इसको सेपरेट कर लेते हैं, minus 1 raised to the power n into 2 over 3 raised to the power n. तो यहाँ पे हमारे पास दो nth टर्म्स आ रही हैं. The nth terms are 2 over 3 raised to the power n and minus 1 raised to the power n into 2 over 3 raised to the power n. So this is our final and required result. Next is question number 10. Find three consecutive numbers in geometric progression whose sum is 26 and their product is 216. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं a over r, a and ar be the three consecutive terms of geometric progression. अब यहाँ पे हम a over r, a and ar की बजाय a, ar, ar square को भी अज्यूम कर सकते थे, but just for the sake of easiness, we assumed a over r, a and ar. अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि consecutive numbers का जो सम है वो है 26 के इक्वल. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा their sum is equal to a over r plus a plus ar is equal to 26 and their product is equal to a over r into a into ar is equal to 216. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास है a ओवर r इंटू a इंटू ए आर इज इक्वल टू 216. r से r हो जाएगा कैंसिल, a इंटू a इंटू a इज a क्यूब. तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 216. a क्यूब इज इक्वल टू 216 कैन बी रिटन एज 6 क्यूब. अब हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब. क्यूब क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास a आ जाएगा 6 के इक्वल. अब हम यूज करेंगे इस सम वाली इक्वेशन को, a ओवर r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 26. a ओवर r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 26. अब इस इक्वेशन में a को पुट कर देंगे 6 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर r
प्लस सिक्स प्लस सिक्स आर इज इक्वल टू 26, ए इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26 माइनस 6. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर और न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 20. अब लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, देन आ जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 आर. अब राइट साइड पे ये जो 20 आर है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वेयर माइनस 20 आर इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेंगे तो आएगा 6 आर स्क्वेयर माइनस 20 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आर स्क्वेयर माइनस 10 आर प्लस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है अगर इसको शिफ्ट करें राइट साइड पे तो ये 0 से हो जाएगा डिवाइड एंड 0 ओवर 2 इज 0. तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 आर स्क्वेयर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे आर के लिए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. 3 × 3 = 9. 9 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 3 × 3, दिस इज इक्वल टू 1 × 9 एंड 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे ये जो 10 है इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 9 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आर स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 1 इंटू आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन आ जाएगा 3 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 3 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर स्क्वेयर में से कॉमन आ जाएगा 3 आर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस 3 के साथ. माइनस आर प्लस 3 में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है आर माइनस 3, तो आर माइनस 3 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आर माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है विच मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो पहले हम सॉल्व करते हैं आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आर आ जाएगा 3 के इक्वल. अब हम सॉल्व करेंगे 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आर इज इक्वल टू 1, देन आर आ जाएगा 1 ओवर 3 के इक्वल. अब यहाँ पे हमारे पास आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, व्हेन ए इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 3, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ए ओवर आर ए आर. अब यहाँ पे ए की जगह हम पुट करेंगे 6 और आर की जगह पुट कर देंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 3 6 इंटू 3. 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो आ जाएगा 2 6 6 इंटू 3 इज 18. When a is equal to 6 and r is equal to 1 over 3, the required numbers are a over r, a ar.
अब हम r की जगह पुट कर देंगे 1 ओवर 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3, 6 6 इंटू 1 ओवर 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18, 6 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2, 6, 18 और 18, 6, 2. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. If the sum of the four consecutive terms of a geometric progression is 80 and arithmetic mean of the second and the fourth of them is 30, find the terms. Solution. Let A1, A1R, A1R square, A1R cube be the four consecutive terms of geometric progression. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80. तो हमारे पास आ जाएगा देयर सम इज इक्वल टू A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस A1R क्यूब इज इक्वल टू 80. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है A1 आ रहा है कॉमन, तो A1 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 80. अब यहाँ पे आगे हम ये करेंगे 1 प्लस आर में से कॉमन लेंगे 1 को एंड आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब में से कॉमन लेंगे आर स्क्वायर को, तो हमारे पास आ जाएगा A1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 80. देन हमारे पास आ जाएगा A1 इंटू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 प्लस आर आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 80. लेफ्ट साइड पे ये जो 1 प्लस आर है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 ओवर 1 प्लस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन जो गिवन है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ ऑफ देम इज 30. तो यहाँ पे पहले हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं. अगर हमने दो नंबर्स ए एंड बी के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2. तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ टर्म का जो अरिथमेटिक मीन है वो लिख लेते हैं. अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज A2 प्लस A4 ओवर 2 इज इक्वल टू 30. वी नो दैट An इज इक्वल टू A1 into r raised to the power n minus 1, which means A2 is equal to A1 into r raised to the power 2 minus 1, this is equal to A1r,
and A4 is equal to A1 into R raised to the power 4 minus 1, and this is equal to A1 R cube. तो यहाँ पे अब हम A2 की जगह पुट कर देंगे A1 into R and A4 की जगह पुट कर देंगे A1 into R cube. A1 R plus A1 R cube over 2 is equal to 30. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा A1 R plus A1 R cube is equal to 30 into 2. नेक्स्ट आ जाएगा A1 R plus A1 R cube is equal to 60. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट साइड पे A1 into R को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा A1 R और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 plus R स्क्वायर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 60. अब लेफ्ट साइड पे ये जो R मल्टीप्लाई हो रहा है A1 एंड 1 plus R स्क्वायर के साथ इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और जब ये राइट साइड पे आएगा तो 60 से हो जाएगा डिवाइड. अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा A1 into 1 plus R square is equal to 60 over R. This is equation number 2. Next हम ये करेंगे equation number 1 को equation number 2 में use करेंगे. Equation number 1 में हमारे पास है A1 into 1 plus R square is equal to 80 over 1 plus R. तो यहाँ पे A1 into 1 plus R square की जगह हम पुट कर देंगे 80 over 1 plus R using equation 1. तो हमारे पास अब आ जाएगा 80 over 1 plus R is equal to 60 over R. आगे हम cross multiplication कर देंगे तो आ जाएगा 80R is equal to 60 into 1 plus R. 80R is equal to 60 plus 60R. राइट साइड पे ये जो 60R है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 80R माइनस 60R इज इक्वल टू 60. 80R माइनस 60R इज 20R. तो हमारे पास आ जाएगा 20R इज इक्वल टू 60 और R आ जाएगा 60 ओवर 20 के इक्वल. 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल एंड 2 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6. तो हमारे पास R आ चुका है 3 के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है A1. उसके लिए हम R इज इक्वल टू 3 को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा A1 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 ओवर 3. 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 20 इज 60 और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा A1 into 1 plus 9. This is equal to 20. A1 into 10 is equal to 20. Then A1 आ जाएगा 20 over 10 के equal. 10 into 1 is 10. 10 into 2 is 20. तो A1 अब आ चुका है 2 के equal. When A1 is equal to 2 and R is equal to 3, then the required numbers are A1 R square, A1 R cube. A1 की जगह पुट कर देंगे 2 को और R की जगह पुट कर देंगे 3 को. तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 into 3, 2 into 3 square, 2 into 3 cube. Then आ जाएगा 2, 6, 2 into 3 square is 9, 2 into 3 cube is 27. Then आ जाएगा 2, 6, 2 into 9 is 18, 2 into 27 is 54. So this is our final and required result. Students, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.